ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसके मेरा नाम सदरुद्दीन शेख है, मैं चेयर हूँ बरखा एड यूके सिंध का। हमारी चैरिटी है बरखा एड, जिसकी फाउंडर है मोहतरमा गुल, जो यूके में रहती हैं। जो हमारी फाउंडेशन है, इसमें हम सबसे ज़्यादा खवातीनों पे हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है। जैसे हम पूरे पाकिस्तान में हमारे 5 सेवन सेंटर, फ्री सेवन सेंटर चल रहे हैं, जिसमें 30 खवातीन जिनको हम जो हैं सिलाई कढ़ाई का काम सिखाने के बाद उनको हम सिलाई मशीन गिफ्ट करते हैं। नंबर 2, हम वो खवातीन बेचारी जिनका शादी नहीं होती है जहेज के लिए, तो हम उनको जहेज का जो है ना वो अरेंजमेंट करते हैं, उनको पूरा सारा सामान देते हैं। उसके अलावा जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं उनको हम जो है वो जैसे रेड़े वगैरह होते हैं, लाइवलीहुड जिसको हम कहते हैं, वो हम उनको लेकर देते हैं। उनमें जो सब्ज़ी बेचे, जो बच्चों की चीज़ें बेचे, या और कोई जो उसमें काम करना चाहे वो भी हमारी तरफ से होता है। उसके बाद हमने पूरे पाकिस्तान में अभी तक के तकरीबन 1500 के करीब हैंडपम्प लगवाए हैं, तो जहाँ पानी की बड़ी किल्लत होती है, जैसे थर है, जैसे अपना शहदादपुर है, जैसे खुपरो है, सांगड़ है, जकमबाद है, दादू है, सेवन है, वहाँ पर हमने बहुत सारे हैंडपम्प लगाए हैं। कराची में हमने हालिया बारिशों में बहुत बड़ा काम किया, पूरे सिंध में किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी ये बारिश हुई, अल्लाह की आजमाइश थी। इसके अलावा जो हम जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए हम उनके मेडिसिन का अरेंजमेंट करते हैं। हमने मस्जिदें बनवाई हैं 12 पाकिस्तान में बनवाई, क्योंकि उसमें अल्लाह का घर और एक वहाँ पर हम दीनी तालीम, जो बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो दुनिया की तालीम से के साथ साथ जो है ना दीनी भी तालीम हासिल करें, उनको पता चले कि हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, मौलदारों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ उठना बैठना, ये हमारे एक जो है तंजीम है, ये हमारा एक चैलेंज है। जो हम ये काम बगैर किसी लालच के, हमारे वॉलंटियर्स हैं पूरे पाकिस्तान में बशमूल सिंध कराची, हम वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट काम करते हैं। हमारी टीमें हैं जिसमें खवातीन भी हमारे साथ हैं और नौजवान भी हैं, यंग लड़के भी हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से आज हम यहाँ पर 4th इंटरनेशनल ग्लोबल CSR कॉन्फ्रेंस मेरेट होटल में ज़ीशान हाशमी साहब के से रहनमाई में ये जो वहाँ पर हम शरीक हुए, यहाँ पर हमें ये अवार्ड भी मिला है और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं मुझे। कल भी एक लाड़काना में तकरीब थी, वहाँ भी मुझे अवार्ड मिला, पर अभी 17 तारीख को इस मेरेट में है, इंशाल्लाह ताला वहाँ भी मुझे बुलाया है। तो इस तरह मैं नौजवानों को एक पैगाम दूंगा अपने तरफ से, इस कौम के नौजवानों को, उस कौम को, कि खुदारा अपने बच्चों को तालीम जो है ना उस जेवर से महरूम न करो। तालीम सबसे हमारा बड़ा है, अगर हमारे पास तालीम होगी, जो आजकल की कंप्यूटर साइंस का दौर है, IT का दौर है, अपनी बच्चियों को, बच्चों को तालीम दो और अंधेरों से निकालो, इस मुल्क के लिए खिदमत करें, इस मुल्क को हम आगे लेकर जाएं, जिसे पूरी दुनिया में हमारा मुल्क का नाम रोशन हो, इस सूबे का, इस खित्ते का, इस शहर का नाम रोशन हो। और मैं हुकूमत से भी मुतालबा करूंगा कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान के लिए कुछ करें, सिंध के लिए कुछ करें, यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, तो उसके लिए मैं उनके साथ अपील करूँगा और अपनी कौम से भी अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी लड़ने और झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। आओ सब मिलकर एक कौम बनकर इस खित्ते को, इस मुल्क को पूरी दुनिया में उजागर करें। शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।